नगर पालिका निगम भिलाई में चार बार की कांग्रेस पार्षद सुभद्रा सिंह ने 22 सदस्यों को बधाइयां दी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शहर सरकार में बतौर मंत्री उनका चयन हुआ है, जो जिम्मेदारी संगठन व मेयर ने दी है उस पर सभी खरा उतरे। देखिए, पार्टी की सोच है वो पार्टी जाने। मेरा एक सूत्री सिद्धांत रहा है हमेशा से कि सामान्य वर्ग था, चूंकि सामान्य वर्ग की मैं हूँ तो मेरे पास तो सामान्य के सिवा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए मैंने सामान्य से मांग किया था कि महापौर मुझे मिलना चाहिए या सामान्य किसी व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। कितने सारे पार्षद हमारे आए थे, किसी को भी मिलना चाहिए, ये मेरी एक मांग थी। और ये मांग तो पूरी हुई नहीं। और ये भी अगर मान लो उनको नहीं लगा, वैसे भी मैं दो बार MIC रह चुकी हूँ, नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हूँ, हमारे जो भी भाई बहन को मिला है निश्चित तौर पर वो बढ़िया काम करेंगे शहर सरकार में रह के और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। चूंकि मैं चौथी बार इस बार जीती थी और जो मेरा वार्ड क्रमांक 65 है, तो यहाँ की जनता को मैं आभार मानती हूँ, उनका आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे 700 के लगभग वोट से जिताया। और निश्चित तौर पर मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी। और एक पार्षद हूँ मैं, तो निश्चित 5,000-5,500 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करूँगी। और निश्चित तौर पर भिलाई में आज भी ऐसे लोग हैं जो हजारों की संख्या में मुझे मानने वाले हैं और वो निश्चित तौर पर मेरे साथ हैं। आप सोचिए, मैं दुखी हुई वहाँ से रोते हुए निकली, मेरे साथ ऐसी ऐसी मेरी फ्रेंड हैं और जो मुझे बचपन से जानती हैं, मेरी चंद्राकर एक फ्रेंड है, रेणु चंद्राकर, आप सोचिए वो कम से कम 2-3 दिन तक लगातार रोई है। और आप इसे सोच सकते हैं कि जाति का यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे मुझे मानने वाले SC हों, ST हों या फिर OBC हों, सभी मुझे प्यार करते हैं। और निश्चित तौर पर मैंने एक सीधी लाइन से अपनी मांग रखी थी पार्टी के सामने। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि हमारी प्रियंका गांधी UP में जो चुनाव हो रहा है इस बार, 40% महिलाओं को चुनाव में भागीदारिता दी जा रही है, तो मेरे को ऐसा लगा था कि सामान्य सीट है, चूंकि महिला नहीं था लेकिन सामान्य सीट है और मैं सामान्य थी, वरिष्ठ थी, चार बार की पार्षद थी, तो मैंने सोचा था कि हो सकता है मेरा नाम आएगा या मेरे समान और लोग हैं उनका नाम आएगा। एक हमारे बदौलत एक सीनियर को मिला है, ये भी हमारी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई कि हमारे नीरज भाई को मिला और उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे मेयर एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी को बनाया गया है। और बस यही मानना था कि सामान्य सीट में सामान्य को दिया जाए। जैसे सामान्य वर्ग अभी भी 20-25% तो मुझे लगता है सामान्य वर्ग के होंगे, चाहे वो जैन हो, मारवाड़ी हो, कायस्थ हो, श्रीवास्तव हो या ब्राह्मण राजपूत हो, जितने भी हमारे जो स्वर्ण में आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो सामान्य से ही मांग सकते हैं, दूसरे और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, मैं सीनियर पार्षद हूँ और मैं अपना काम करवाना चाहती हूँ।